ध्यान में दीजिए कि कोई चीज समाप्त नहीं होती। जैसे अभी इन्होंने कहा अमित जी ने कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं, कहा कोई नहीं जाता, कहीं नैनम छिपन तिशस्त्राणी नैनम दहत पावक न चैनम क्ले दियन त्यागो न सोसेत इमारत। हमारे वहां भारतीय वाङ्मय में अमरता की अवधारणा मानी जाती है, चाहे वो जैविक अमरता हो, चाहे वो सामाजिक अमरता हो, चाहे वो आध्यात्मिक अमरता हो। निश्चित तौर पे हमें मनोवैज्ञानिक संतोष भी प्राप्त होता है अमरता में, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन रहता है कि हमारे बाद हमारा अस्तित्व खत्म नहीं है, हमारे बाद हमारा अस्तित्व है। राजीव यादव जी मूल्यों को यहाँ थे, ऐसा नहीं कि यहाँ से चले गए, जो मूल्य जो रहन सहन जो संस्कार उन्होंने यहाँ संपादित किया होगा वो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी। हम एक चीज बात करते हैं कि सार सार को गह रहे धोथा दे उड़ाए, ये ध्यान में रखिए कि जो अच्छी चीजें हैं उनको स्वीकार करिए, जो बुरी चीजें हैं, हर आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता, कुछ न कुछ चीजें कमी रहती हैं। अगर पूर्ण हो गया तो वो ईश्वर बन जाएगा, वो ईश्वर में कोई कमी नहीं होती, और हर इंसान में कमी होती है, और इंसान इसी कमी से ग्रसित है कि उसमें कमी है, और इसी वजह से वह तृष्णा से ग्रसित रहता है, पढ़ता रहता है आगे। जब एक हुए तो दस होते, दस हुए तो सौ की इच्छा है, सौ से भी अब संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। ऐसे ऐसे करते करते सब राजा के पद तक पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी डायनीय तृष्णा है। आयु नाश हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता, तो कोई चीज समाप्त नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। मूल्यों के रूप में हम सामाजिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, जैविक रूप से अपने संतानों में हम जिंदा रहते हैं, आध्यात्मिक अमरता जो मानते हैं और पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, वो भी मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा दूसरे जीवन में हम, या दूसरे रूप में पैदा होंगे जीव के रूप में, तो कोई कहीं नहीं जाता, तो हमारा नुकसान ही क्या है, हम आज मनुष्य हैं कल किसी और योनि में पैदा होंगे, परसों किसी और योनि में पैदा हो जाएंगे, या हमने जो सामाजिक कृतित्व किया वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहेंगे, तो हमारा नुकसान ही क्या है, बढ़िया है। तो हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टर करें। अब ऐसे भी सिकरारा के मास्टर साहब लोग तो पूरा एकदम जोशों खरोश से भरे हैं, अश्वनी बैठे हुए हैं आगे, बरसठी के हैं, सिकरारा नहीं है, बरसठी कर रहा हूँ, मतलब टीम अमित की टीम है, पूरे सम्मानित शिक्षक संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी गण, मेरे सभी सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षा मित्र अनुदेशक मीडिया से आए हुए सभी सम्मानित जन, सुशील जी हैं, अमित जी हैं, और आपकी टीम के पूरे सदस्य जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, मैं एक दो बातें बस स्पष्ट रूप से बता दूंगा, जो जोशो खरोश आपके अंदर है सिकरारा ही नहीं पूरे जनपद जौनपुर में, उसको मैंने कभी नहीं देखा। अध्यापकों में इतना जोश उत्साह उमंग है, सब जगह है, लेकिन एक एक जो है एक द्वैत भाव और एक सौहार्दपूर्ण दूरी, प्रशासनिक जिसको जो मैं शब्दावली यूज करता हूं प्रशासनिक सामान द्वार, कहीं ना कहीं वो दूरी रहती है। एक अधिकारी जैसे मैं नियोक्ता हूं, आप मेरे द्वारा नियुक्त किए जाए, तो एक दिमाग में रहता है कि अरे कब पता नहीं कौन नुकसान कर दें, ये वो चीजें यहाँ नहीं। एक एक जो है मानते हैं कि हमारे मुखिया हैं, और उस तरीके का हम भी आपसे अपेक्षा रखते हैं और आपके साथ सहयोग करते रहते हैं। आज 16 जुलाई है सर, और आज ही के दिन मैं कार्यभार ग्रहण किया था जनपद जौनपुर में, एक साल हो गया, और यहाँ के अध्यापकों का उत्साह इतना बड़ा है कि मुझे बॉर्डर पर रिसीव करने चले गए थे, और
वहां फूल माला इतना चढ़ाए कि मीडिया में आ गया आलोचनात्मक एक न्यूज़ कि अब जो है जनप्रतिनिधि लोग जो है जनप्रतिनिधि से तुलना प्रशासक की करके मीडिया ने निकाल दी। अब वो हम कहेंगे लो सिर मुड़ाते ही ओला पड़ना है, अभी जौनपुर पहुंचे ही नहीं तब तक जो है गड़बड़ हो गया। तो ये झूठ है, फोटो खिंचवा तो चाहे अधिकारी को एकदम पीस के जो है एकदम चटनी बना के फोटो हो जाएगा। क्यों मैं सभी लोगों को ये सभी सम्मानित अध्यापक ठीक है आपका अपनत्व है, जो जोश है जो जोशो खरोश है उसको अनुशासन का स्वरूप दीजिए। निश्चित तौर पे आपका जनपद आपके जनपद की गौरवशाली परंपरा रही है, किसी से छिपा नहीं है, सांस्कृतिक शैक्षिक एक गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ से अच्छे अच्छे लोग, कोई ऐसा नहीं है कि हम बीएसए साहब बड़ा अतिशयोक्ति की बात बोल रहे हैं, यहाँ हमसे बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बड़े अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे पदों पे आज भी पदासीन है। ये ऐसी आपकी मिट्टी है, ये ध्यान रखें, बस जरूरत है आपको अनुशासित होने की और उस अनुशासन ध्यान में रखिएगा हमेशा, दुनिया में दो ताकतें होती हैं, एक बंदूक की और एक कलम की। लास्ट टाइम कलम की ताकत ही जीतती है, ये इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। आने वाला समय विशेषज्ञता का है, एक्सपर्टनेस का है, आप एडेप्ट नहीं रहेंगे, एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, हाईली एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में सर्वाइवल बहुत कठिन होगा, बहुत ही कठिन होगा, ये ध्यान रखिए। तो कृपा करके जो निपुण भारत मिशन चल रहा है शिक्षा विभाग का भारत सरकार का, उसका यही मूल उद्देश्य है कि हर जनसंख्या तक शिक्षा की पहुंच, जैसे सर शिक्षा अभियान की मंशा थी, और उनको निपुण बनाना, एडेप्ट बनाना, दक्ष बनाना। इसके लिए इसका उदाहरण है, मैं बार बार देता हूं, जैसे इजराइल, एक इजराइल देश है पूर्व मध्य में और वहां पे एजुकेशन का लेवल हाई, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, महिला शिक्षा अनिवार्य, सैनिक सेवा। जब जब अरब इजराइल युद्ध हुआ तब तब अरबों ने अपनी हानि उठाई और इजराइलियों का फायदा हुआ, क्यों? कारण उसका एक ही है कि वो लोग हाईली एजुकेटेड हैं और हाईली एजुकेटेड कंट्री ही आने वाले समय में सरवाइव करेगी बेहतर तरीके से, ये ध्यान रहे। जिसमें ज्ञान तर्क वितर्क ये सारी चीजें बेहतर रहेंगी वही सर्वाइवल बेहतर करेंगे। निपुण भारत मिशन उसी दिशा में एक प्रयास है, उसी दिशा में एक तार्किक प्रयास है कि हम हर नागरिक को, कि कुछ विशेष ही जन नहीं, कुछ विशेष जन शिक्षा प्राप्त कर ले और निपुण हो जाए, उससे संतुलित आर्थिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास नहीं हम कर पाएंगे जब तक सभी जनमानस सभी मानवीय संसाधन हमारे निपुण नहीं होंगे। फर्ज करिए हमारे, हम लोगों ने जैसा आप सभी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के हम लोगों ने नामांकन अभियान चलाया और 5,19,000 हमको टारगेट मिला था, 5 लाख तक हम लोग पहुंच गए, वो भी 19,000 हम लोग, लेकिन जो लक्ष्य दिया गया था 94,000 उसमें हम लोग 117-118% तक पहुंचे, इस वजह से प्रदेश में दूसरा स्थान हमारा आया नवीन नामांकन में। वो 2,519,000 बच्चे फर्ज करिए अगर आपके जनपद जौनपुर के कक्षा 8 पास आउट होने के बाद निकलेंगे और एक निपुण संसाधन मानवीय संसाधन होंगे तो आपके जनपद की सांस्कृतिक आर्थिक और वैज्ञानिक दशा क्या होगी ये आप सोच सकते हैं। कृपा करके आप पूरा फोकस, इसी वजह से मैंने डिसिप्लिन, जो आपके अंदर उत्साह है उसको डिसिप्लिन की चाशनी दीजिए और बच्चों को निश्चित तौर पे, अभी मैं निरीक्षण कर रहा था, एक विद्यालय निरीक्षण किया हुआ, हिंदी भाषा, भाषा जो होती है, जैसे हम कोई अगर बच्चा कोई छोटा बच्चा होता है अगर कोई चीज सुन नहीं पाता, सुन के अवधारणाएं नहीं अपने मानस पटल पे स्थापित कर पाता है तो वो गूंगा हो जाता है, वो बोल ही नहीं पाएगा। ये कहेंगे डैश डैश क्या है, डैश नामक अवधारणा उसके दिमाग में बनी ही नहीं, ये मेज नामक अवधारणा बनी ही नहीं,
माइक नामक अवधारणा दिमाग में बनी ही नहीं, क्योंकि सुना ही नहीं वो, और वो भाषा ही माध्यम है जो अवधारणाएं उसके दिमाग में बनाएंगी।